हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पर अभी मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। 3 दिन से इतनी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। आज तीसरा दिन है। इतने पूरे बदन में दर्द और बुखार, हालत ख़राब हो गई। पूरी रात बुखार नहीं उतरा बिल्कुल भी। ना तो कोई चीज़ अच्छी लग रही खाने में, ना कुछ। कल दवाई ली थी पर दवाई से आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो आज ब्लड टेस्ट करवाया, उसके बाद दवाई ली। जब वो दवाई अभी खाई है दोपहर में, जब जाके आराम मिली तब थोड़ा अब ठीक लग रहा है। ये सिवा नमकीन लेके आए, सिवा से नमकीन मंगाई थी। अबे तो बिल्कुल भी मुंह को स्वाद इतना बेकार हो गया बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इसी बार नमकीन लेके आए थे, 10 रुपए के लाए थे। अब मैंने थोड़ी सी खाई, जरा सी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इतनी मुंह इतना ख़राब है, कड़ू कड़ू बहुत ज़्यादा। और पहले से ना कोई सर्दी ना जुकाम कुछ भी नहीं, एकदम से परसों शाम के टाइम बदन में दर्द होने लगा, सिर में दर्द, तो एकदम से रात को बुखार आ गया। और पूरी रात बुखार चढ़ा रहा। दवाई खाई जब रात को, तो परसों व्रत था एकादशी का, तो दिन में फिर मैंने शाम टाइम दवाई नहीं खाई, मैंने व्रत खराब हो जाए। ऐसे ही दर्द हो रहा है तो बंद हो जाएगा, इसके चक्कर में फिर रात में बुखार आ गया। जब फिर रात में मुझे मेरे को दवाई खानी पड़ी, व्रत भी मेरा टूट गया परसों का। परसों का व्रत भी बेकार हो गया एकादशी का। मजबूरी में दवाई खानी पड़ी, पर मैं दवाई नहीं खाती किसी की। मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई जब दवाई खाई। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और 3 दिन से इतनी बारिश हो रही, लगातार बारिश हो रही, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुक रही है। कल पूरे दिन बारिश हुई, आज पूरी रात बारिश हुई, और आज पूरा दिन हो गया बारिश हो रही, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी। इतनी तेज़ तेज़ बिजली कड़क रही, बहुत तेज़। पीछे पार्वती मंदिर में पीछे मंदिर है, मेरे मकान के पीछे ही मंदिर है। सिर्फ मंदिर घुटने तक पानी भरा है। वहाँ पूजा करने जाते हैं सब लोग बेचारे, बहुत दिक्कत में पूजा करने जाते हैं। पूजा करने वाले तो जाएंगे डेली पूजा करने, कुछ भी हो, जहाँ तक बनता है। तो उसके पानी में उतने खन छत से चढ़ के देखा, थोड़ी तबीयत ठीक हुई, सोचा छत पे थोड़ा टहल लें, पर ठंडी हवा लग रही छत पे, तो नीचे उतर आए फिर जा। और सर्दी एकदम, पता नहीं क्यों सर्दी ने एकदम से सर्दी ने जकड़ लिया है। पहले से कोई ना सर्दी ना जुकाम, एकदम सर्दी जुकाम बुखार सब इकट्ठा ही हो गया। इस वजह से हालत खराब। कभी भी मुझे ऐसे बुखार नहीं आया, जो दवाई भी खाने से बुखार ना। अगर हमें बुखार आ गया, दवाई खा ली, तो बुखार मेरा चल उतर गया और एक दो खुराक में सही हो गया। अब मेरी तबीयत ख़राब होने का यही टाइम है हर साल का। ये अगर टाइम जो निकल गया तो समझो पूरी साल ठीक ठाक। कभी भी बुखार उखार हमें आता है तो बस यही 3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने निकल गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं पूरी साल। मुझे कभी भी बुखार आता है, नहीं 3 महीनों के बीच में ही बुखार उखार आता है, वरना नहीं। पहले तो कभी नहीं आता ही, बुखार उखार कभी नहीं आया था। एक बार आया 6 7 8 साल बाद, कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। अब की 2 साल से 3 साल से इन दिनों में तबीयत खराब। अब पहले भी बुखार अगर पहले भी आता था तो आता ही नहीं टाइम में था, अक्टूबर सितंबर हुई 3 महीने में। अभी पानी गर्म करवाया सिवा से, प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने मना किया ठंडा पानी पीने को, मतलब नॉर्मल भी नहीं पी सकते। ये सिवा कटोरी में गर्म करके ले गए आए पानी, प्यास लग रही थी बहुत तेज़ से। अभी गरम करके ये बोतल में कर लेंगे, गरम पानी वाली बोतल है उसी में कर लेंगे, फिर रखा रहेगा रात भर। वो ठंडा ठंडा ही नहीं होता, 24 घंटे रहता पानी गरम रहता है। मिल्टोन की बोतल है उसमें। और अभी तो कोई ब्लॉग की वीडियो आज तो शूट हो ही नहीं पाई, पूरे दिन पड़े रहे बिस्तर में। अगर होगा कल वीडियो देखो, तबीयत सही रही तो खैर सही है तबीयत, चाहे आराम है बहुत, काफ़ी आराम है। ये दर्द कर रही है, जबड़े दर्द कर रहे, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं ये दर्द कर रहे बहुत ज़्यादा ये चीज़। दुकान पे जा रही थी, का लेने जा रहे दुकान पे? बिस्कुट।
और खांसी आ रही बहुत ज़्यादा। अन्नू को भेजा, अन्नू गए डॉक्टर ने बताई है सिरप, वो अन्नू सिरप लेने गए हैं मेडिकल से, वो डॉक्टर से पूछी है कौन सी सिरप, तो इन्होंने ही बताई है सिरप ये वाली लेके आना, कोई सी बताई खांसी की। चलिए पी लेते हैं पानी फ्रेंड्स, अगर तबीयत अभी तो खैर सही है, कल तबीयत ठीक रही, सही हो जाएगी तबीयत, हम दवाई सही मिल गई तो कल बिलो का वीडियो शूट करेंगे, वीडियो आएगा शाम को। आज मैं अपने कान्हा जी का भी 2 दिन से ध्यान नहीं रख पा रही बिल्कुल भी, आज नहाए भी नहीं, शिवा कर रहे पूजा 2 दिन से, कल भी शिवा ने करी आज भी शिवा ने करी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर, सर्दी लग रही इस वजह से स्वेटर पहने, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी मैं परसों, तो कमर ओढ़ा डबल वाला, इससे सर्दी बिल्कुल भी नहीं, वह इतनी कपकपी लग रही बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं रात को अन्नू को जगाया मैंने 10-11-12 बजे के, 12 बजे लगभग टाइम पे लमसम अन्नू से रजाई नहीं करवाई, ये डबल वाली, ये रजाई नहीं करवाई, ये वाले देखें ये डबल रजाई है, बहुत भारी रजाई है ये हमारी, ये रजाई ओढ़ी जब भी ना सर्दी छूट रही, फिर जब दवाई खाई उसके बाद पसीना नहीं करा, जब दो दो एक कम मरोड़ा ये रजाई ओढ़ी जब जाके सर्दी छूटी मेरी, और दवाई खाई उसके बाद जब पसीना निकला जब आराम मिला, और कल से और आज ये स्वेटर नहीं करा दी देखिए, थोड़ा सा उठ के बैठते हैं तो ठंड लगती है, इसी वजह से मैंने ये स्वेटर निकाल लिया, ये हल्का ये ज़्यादा नहीं डाल लेते हैं शरीर में, स्वेटर की सीजन आ गई मेरे लिए, तबीयत खराब हो गई इसकी वजह, इस वजह से। और अपना सब लोग ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बुखार सर्दी जुकाम बुखार का मौसम है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा और बारिश हो रही 3 दिन से, ये बहुत बीमारी की करी है, तो सब लोग अपना ध्यान लगिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, गर्म पानी पीजिए, हम भी 2 दिन से गर्म पानी पी रहे हैं अब फ्रिज का तो पानी नहीं पीते लगभग 1 हफ्ता, पिछले हफ्ते बारिश हुई जब से नहीं पानी पिया फ्रिज का, ये गर्म ही पानी पी रही है शिवा ने गर्म करा है। अभी देखिए फ्रेंड्स शिवा चाय बना के लेके आए, शिवा से चाय बनवाई, शिवा ने काली चाय बना के दी, ये देखिए इसमें काले कलर है, इसमें लाल आ रहा है, इसमें शिवा ने क्या क्या डाला शिवा, इसमें डाली है चाय पत्ती, चाय पत्ती तो डलती ही है चाय में, चीनी चाय पत्ती डाली शिवा कह रहे, चीनी और चाय पत्ती डाली, लौंग और मिर्च इसमें डाली है शिवा ने, लौंग मिर्च अदरक काली मिर्च लौंग तेज पत्ता डाला, अदरक ना डाली, अदरक अदरक ना डाली तो क्या फायदा, दोबारा करके लाओ, देखो शिवान चाय में अदरक ना डाली, अभी अदरक डलवाएंगे जब पियेंगे चाय। देखिए फ्रेंड्स ये डॉक्टर ने दवाई ये वाली कौन सी है, सीफो, ये दवाई कल दी थी ये वाली दवाई जो सीफो टैक्सिम सोडियम इंजेक्शन, इससे कोई भी फायदा नहीं मिला दवाई से ये वाली, ये बाद में दी, बदल के दी जब ये गोली खाई है, इसकी दूसरी गोली थी पैरासीटामोल थी वो भी, लेकिन पर वो कम पावर की थी तो उससे बिल्कुल बुखार में आराम नहीं मिला बिल्कुल भी, तो ये गोली सुबह बदल के दी ये वाली दूसरी जब खाई, इसमें से एक जब आराम मिला, ये जो कल की दवाई है इससे बिल्कुल कोई आराम नहीं मिला, इस वजह पूरी रात बुखार रहा मुझे पूरी रात, और ये फिर मेडिकल से सुबह लेके आए थे अन्नू, फिर ये खाई नहीं मैंने मेडिकल की दवाई, इससे कोई भी आराम नहीं मिला, आज ये दवाई दी है जब सोने के टाइम पे हुई जा, और ये वाली आज दवाई दे के गए डॉक्टर, ये पैरासीटामोल बुखार की है, बुखार आने पे खानी है, ये कौन सी है जी, तो मलेरिया वाली लग रही जी सबरी, जब मलेरिया हो तो तब जी जी सारी दवाई, ये दवाई दी है याद दे के गए, थी पता नहीं कौन से ताकत के कैप्सूल बताए हैं ये वाले,
और ये सीरम मंगाइए खांसी की। कौन सी है ये सीरम? कोडी स्टार वाली सीरम NB+ है ये NB+। कोडी स्टार अच्छी सीरम बताइए, डॉक्टर नहीं बताइए, ये वाली डॉक्टर से ही पूछ के लेके आए सिरप खांसी की। तो ये दवाई खानी है, ये नहीं खानी है अब हमें दवाई, ये दवाई खानी है। इसकी बदल के दूसरी वो ले गए, कि ये नहीं लेके गए वापस, इसकी जो दूसरी दवाई थी वो वापस ले गए डॉक्टर, पर ये वाली लेके नहीं गए। मेडिकल लग गया घर में दवाई का, 2 दिन में इतनी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, अब तो आराम है। ये दवाई खानी है 2 दिन तक, इतने में सही हो जाएंगे, इतनी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं कि भाई बुखार चढ़ गया, बुखार नहीं उतरा इस वजह से हालत ख़राब हो गई, वैसी कोई परेशानी नहीं। कोडी स्टार शिवान अदरक चाय नहीं डाली, वो उनका चाय नहीं डाली, अदरक नहीं डाली थी चाय में, तो सिवा अदरक डाल के लेके आए दोबारा से चाय बनवाइए। तेज पत्ता अदरक नहीं डाली थी सिवा ने, और थोड़ा नमक भी डलवाया इसमें, क्योंकि नमक की चाय में नमक डालो ना तो खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। अगर तेज खांसी आए नमक की चाय पी लो काली, तो तुरंत आराम मिल जाता है, बिल्कुल दवाई जैसी फ़ायदा करती है काली चाय, दवाई से भी ज़्यादा खांसी में फ़ायदा करती है काली चाय। लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च, तेज पत्ता, ये चीज़ डाल के चाय बना लो, काढ़ा बना लो, एक तरीके का काढ़ा ही बन जाता है, बहुत फ़ायदा करता है ये, और इससे बुखार भी कम हो जाता है, ये काढ़ा पी लो बना के, काफ़ी फायदेमंद है ये काढ़ा काली चाय। पर दूध नहीं डालिएगा, अगर दूध डाल लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बनानी काली है चाय। तो चलिए पी लेते हैं और इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं कल के ब्लॉग के वीडियो में। तबीयत तो ठीक है, कल शायद अच्छे खासे ब्लॉग बनाएंगे, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? आज की तो वीडियो का ऐसी है, आपसे बातें की थोड़ी बहुत, तो सिवा फैल जाएगी चाय, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए राधे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।